मेरे क्लाइंट पर यह आरोप है कि उन्होंने एक पेड़ काटा है। एक पेड़ ही तो है जो हमें सांसें लेने में मदद करता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। ऑब्जेक्शन ग्रांटेड। एक पेड़ ही तो काटा है मेरे क्लाइंट ने, कोई पाप थोड़ी ना किया है। एक पेड़ काटने की आखिर क्या सजा हो सकती है? पेड़ काटने की सजा क्यों नहीं हो सकती? जैसे एक इंसान के सांसें रुकने पर केस हो सकता है, वैसे ही पेड़ के कटने पर केस क्यों नहीं हो सकता? अच्छा, अब हम एक पेड़ की तुलना एक इंसान से करेंगे जहाँ पे आज भी हजारों मर्डर केस पेंडिंग हो रखे हैं। आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास सबूत है, जैसे हम इंसानों के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ये पेड़ भी जरूरी है। ये पेड़ ना होते तो ऑक्सीजन कहाँ से आता? ये आप कैसे कह सकते हैं? मेरे काबिल वकील साइंस में कमजोर है। क्या आप जानते हैं, ये पेड़ ही हैं जो हमें ऑक्सीजन देते हैं, और यही ऑक्सीजन अभी आप ले रहे हैं। माय लॉर्ड, मैं अपने काबिल दोस्त की तारीफ करना चाहता हूँ। इनको एक वकील नहीं, एक आंदोलनकारी होना चाहिए था। कोर्ट बातों पे नहीं चलता है, सबूतों पे चलता है। मेरा क्लाइंट बेगुनाह है। आई रेस्ट माय केस माय लॉर्ड। मैं आपका फैसला लेने से पहले आपका ध्यान टाइम्स ऑफ इंडिया के रिपोर्ट चिपकू मूवमेंट की तरफ ले जाना चाहूंगा, जिसमें हम सब ने लाखों रुपए खर्च करके एक सलाइन ड्रिप ली थी, जिससे एक पेड़ को बचाया गया था। अब मैं ये फैसला आप पे छोड़ता हूँ। थैंक यू माय लॉर्ड। आप सबकी बातें सुनने के बाद मैं ये फैसला अगली तारीख पर छोड़ता हूँ। तारीख पर तारीख बढ़ती रहती है, पर कोई सुनवाई नहीं होती। ये अधिकतर होता रहता है हर जगह, हर गलियों में। एक वक्त ऐसा है, एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान बिन सांसों के मर जाएगा। थैंक यू मिस्टर गौतम एंड थैंक यू पीपल वन एंड फोर एफएम फॉर सपोर्टिंग अस। The property of our hill saved them from being looted. Very good. CSKM. CSKM school के लिए एक बार let's have a huge round of applause. जिन बच्चों को प्लांटेशन में गए